Hello everyone, myself Assistant Professor Janvi Dave from Computer Engineering Department, Shri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat. In our today's session, we are going to start the new chapter, which is Problem State Space Search and Heuristic Search Techniques. First of all, I would like to inform you about the problem solving, because problem solving is the major area of artificial intelligence. So, hum ye chapter ke andar प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं और कौन से एरिया में काम कर सकते हैं वो सारा डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे. उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है दैट इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग द सॉल्यूशन बाय गिवन ऑब्जर्व डेटा. कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें कोई सिस्टम बिल्ड करनी पड़ती है या कोई मैथड बिल्ड करनी पड़ती है टू जनरेट द सम रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. कोई भी सॉल्यूशन जनरेट करने के लिए आप जो सिस्टम बिल्ड करोगे या फिर कोई मेथड बिल्ड करोगे तो उसके लिए बेसिकली चार एरिया में काम हो सकता है. फर्स्ट एरिया है डिफाइन द प्रॉब्लम प्रिसाइजली, सेकंड इज एनालाइज दैट प्रॉब्लम, थर्ड इज आइसोलेट एंड रिप्रेजेंट दैट टास्क नॉलेज दैट इज नेसेसरी टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, एंड फोर्थ इज चूज द बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक एंड अप्लाई इट टू द पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि फॉर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम हम जो मेथड जनरेट करेंगे या बिल्ड करेंगे उसमें हम चार स्टेप में काम कर सकते हैं. फर्स्टली हमें क्या करना है कि हमारा जो प्रॉब्लम है उसे प्रिसाइजली डिफाइन करना है. आपको ढूंढना है कि प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है. सेकेंड, आपको वो प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, उसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है उसे आइडेंटिफाई करना है. थर्ड, हम उसके लिए कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम उसके नॉलेज को आइसोलेट करेंगे और नॉलेज को आप कैसे रिप्रेजेंट करवाओगे वो चीज़ हम डिफाइन करेंगे. और उसके बाद लास्ट में जो भी सॉल्यूशन आपको मिला है वो सॉल्यूशन को आपको एक्चुअल प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई करना है. तो बेसिकली हम ये चैप्टर के अंदर वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट स्पेस? स्टेट स्पेस क्या है? तो आप ये बोल सकते हो कि कोई प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करना है तो पर्टिकुलरली आप कौन सी जगह पे हो, करंटली आप कौन सी जगह पे हो, दैट इज द स्टेट. और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि स्टेट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गिवन डेटा. और स्टेट स्पेस जो है इट इज द सेट ऑफ ऑल स्टेट्स रीचेबल फ्रॉम द इनिशियल स्टेट. आप कोई भी इनिशियल स्टेट से आप डेस्टिनेशन स्टेट तक पहुंचोगे तो वो सारे इनिशियल से डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो भी पहुंचने के बीच में जितने भी स्टेट्स आते हैं वो सारे स्टेट्स का अगर हम सेट बना दें तो दैट इज द स्टेट स्पेस. तो वी कैन से दैट द स्टेट स्पेस इज बेसिकली द सेट ऑफ ऑल सेट स्टेट्स रीचेबल फ्रॉम द इनिशियल स्टेट, एंड द स्टेट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम एट द गिवन मोमेंट. यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया कि स्टेट स्पेस प्रॉब्लम जो है वो क्या कंसिडर कर रहा है, तो स्टेट स्पेस प्रॉब्लम के अंदर आपके पास सेट ऑफ स्टेट्स होंगे. स्टार्टिंग स्टेट मतलब कि इनिशियल स्टेट होगा, आप डेस्टिनेशन स्टेट होगा मतलब आपका फाइनल स्टेट होगा जहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और स्टार्टिंग से लेके फाइनल तक पहुँचने के लिए आप कौन से सेट ऑफ एक्शंस परफॉर्म करोगे वो सेट ऑफ एक्शंस होगा. तो ये सारी चीज़ें स्टेट स्पेस प्रॉब्लम के अंदर कवर होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल अ सेट ऑफ स्टेट, सेकेंड स्टार्टिंग स्टेट, फाइनल स्टेट एंड द एक्शन टू बी परफॉर्म फॉर इनिशियल टू गोल स्टेट. दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि कोई भी प्रॉब्लम को अगर आपको डिफाइन करना है एज अ स्टेट स्पेस सर्च तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए. तो फर्स्ट एक फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसका यूज करके हम कोई सिचुएशन को कन्वर्ट करके उसके डिजायरेबल सिचुएशन में पहुंच पाए. और दूसरा, हमारा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें कौन सी टेक्निक का यूज करना है वो टेक्निक का नॉलेज होना चाहिए. कौन सी स्ट्रेटजी हम यूज करने वाले हैं वो कंट्रोल स्ट्रेटजीज हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, मतलब कि सेट ऑफ एक्शंस होने चाहिए. तो अगर ये सारी चीजें आपके पास है देन एंड देन यू कैन
सॉल्व दी स्टेट स्पेस सर्च प्रॉब्लम। अब हम स्टेट स्पेस सर्च प्रॉब्लम का एक मेन एग्जांपल देखते हैं। तो स्टेट स्पेस सर्च प्रॉब्लम का एक एग्जांपल है चेस प्रॉब्लम। चेस के अंदर क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम चेस कैसे खेलना है वो आपको पता है, तो हमें करंट पोजीशन से हमारी बोर्ड पोजीशन जो है उसे चेंज करना पड़ेगा। तो आप वो पोजीशन कब तक चेंज करोगे? जब तक विन विन सिचुएशन नहीं हो जाती या फिर जब तक टाई नहीं हो जाती है तब तक। पर चेस प्रॉब्लम जो है वो हम अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो इम्पोर्टेंट है दैट इज द वाटर जग प्रॉब्लम। बेसिकली वाटर जग प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास दो जग्स है जिनमें एक जग है जिसकी कैपेसिटी है 4 गैलन और सेकेंड जग की कैपेसिटी है आपकी 3 गैलन। पंप विच हैज अनलिमिटेड वाटर विच यू कैन यूज टू फिल द जग इज देयर एंड द ग्राउंड ऑन विच द वाटर में पोर्ड नाइदर द जग हैज एनी मेजरिंग मार्किंग नॉर द टैंक हैज एनी मेजरिंग मार्किंग। मतलब आपके पास दो जग्स है 4 गैलन एंड 3 गैलन वाला, एक वाटर टैंक है जिसमें से आप पानी जो है वो यूज करवा सकते हो, एक ग्राउंड है जिसके ऊपर आपका पानी गिर सकता है। तो वो सारी चीजें आपके पास इनिशियली अवेलेबल है। इनिशियल स्टेट आपका जो है वो 0-0 है, मतलब अभी दोनों गैलन जग जो है वो आपके एम्प्टी है। आपको फाइनल पोजीशन पे पहुंचना है 2N वाली पोजीशन, मतलब आपका जो 4 गैलन वाला जग है वो 2 गैलन जितना भरा हुआ होना चाहिए और 3 गैलन वाला जग 0 कैपेसिटी का होना चाहिए, मतलब अभी वहां पे कुछ नहीं होना चाहिए। तो हमें विदाउट एनी मार्किंग हमें 4 गैलन वाले जग को 2 गैलन जितना भरना है। तो विद द यूज ऑफ सम सेट ऑफ ऑपरेटर्स हम ये जो है वो इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो दीज आर द सेट ऑफ ऑपरेटर्स, टोटल ये 10 ऑपरेटर है हमारे पास जिसका यूज करके हम हमारे जग को फिल कर पाएंगे। तो पहले मैं आपको ये ऑपरेटर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि व्हाट आर दीज ऑपरेटर्स। इनिशियल स्टेट जैसे हमने बोला था कि एक्स वाई है, जहां पे हमारा एक्स जो है वो 4 गैलन है, वाई जो है वो 3 गैलन है। तो फर्स्ट ऑपरेटर देखो 4, y है। यू हैव टू लुक एट दिस फाइनल स्टेट 4, y। 4, y पे क्या है? आपका 4 गैलन जग कंप्लीटली भरा हुआ है। सेकेंड ऑपरेटर में हमने 3 गैलन जग कंप्लीटली भर दिया है। थर्ड ऑपरेटर क्या है? हमने क्या किया? तो x माइनस d, मतलब हमने 4 गैलन जग में जो पानी भरा है उसमें से कुछ पानी जो है वो निकाल दिया है, मतलब पोर सम पार्ट ऑफ वॉटर फ्रॉम द 4 गैलन जग। यहाँ पे फोर्थ ऑपरेटर में हमने 3 गैलन जग में से थोड़ा पानी जो है वो निकाल दिया है। फिफ्थ ऑपरेटर पे हमने क्या किया? 4 गैलन जग को पूरा एम्प्टी कर दिया। सिक्स ऑपरेटर पे हमने 3 गैलन जग को पूरा एम्प्टी कर दिया। उसके बाद हमने ये कंडीशन में क्या किया है कि 4, y माइनस 4 माइनस x, मतलब हमने थोड़ा पानी 3 गैलन जग में से निकाल दिया है। और वो कितना पानी निकाला है आपने? तो 4 माइनस x जितना पानी हमने 3 गैलन जग में से निकाल दिया है, मतलब जो x में आपका पानी भरा हुआ था ये वाले 4 गैलन वाले जग में, उतना हमने माइनस करके 4 में से माइनस करके हमने y में से उतना निकाल दिया, मतलब पोर सम वाटर फ्रॉम 3 गैलन जग टू फील द 4 गैलन जग। यहां से हमने निकाल के वो पानी 4 गैलन वाले जग में डाल दिया है। सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे, x में से हम 3 माइनस y जितना पानी जो है वो निकाल के उसे y वाले जग में डाल देंगे, मतलब 3 गैलन जग वाले में डाल देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये कंडीशन में हमने y में से पूरा पानी निकाल के x में डाल दिया, और यहाँ पे हमने x में से पूरा पानी निकाल के y में डाल दिया। पर कंडीशन क्या है कि x प्लस y का टोटल लेस देन 4 होगा तब आप ये कर सकते हो, और यहाँ पे x प्लस y का टोटल लेस देन 3 होगा तब आप ये कंडीशन फॉलो कर सकते हो। तो दीज आर द सेवरल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर दैट वी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब हम हमारा पॉसिबल सॉल्यूशन देखते हैं कि इनिशियल स्टेट है आपका 0-0, दोनों गैलन जग जो है वो 0-0 गैलन जितने भरे हुए हैं, और आपका फाइनल स्टेट जो है वो 2-0 होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमने क्या किया, 3 गैलन जग को पूरा भर दिया है अकॉर्डिंग टू आवर रूल नंबर 3। क्या था? फिल द 3 गैलन जग। उसके बाद हमने रूल नंबर 9 का यूज किया, और उसमें हमने क्या किया है, 3 गैलन जग में जितना भी पानी था अगर x प्लस वाई इज लेस देन 3 होता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर x प्लस वाई इज लेस देन
फोर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 गैलन वाले में से पूरा पानी निकाल के 4 गैलन वाले में डाल देंगे, जो कि हमने यहाँ पे किया 3 और 0 कर दिया। उसके बाद है 3.3, मतलब अगेन रूल 2 अप्लाई करके हमने 3 गैलन वाले जग को फुल भर दिया है। उसके बाद हम रूल नंबर 7 का यूज कर रहे हैं। रूल नंबर 7 क्या है, अगर इन दोनों का टोटल लेस देन 7 होता है तो हम वाई में से 4 - x जितना पानी निकाल के x भर देंगे। तो देखो यहाँ पे 4 - x जितना पानी हमें निकालना है, तो इन दोनों का टोटल 6 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 4 - 3 जितना पानी निकाल के हम 3 में से निकाल देंगे, मतलब 4 - 3 इज नथिंग बट 1। तो 3 गैलन जग में से हम 1 गैलन जितना पानी हमने निकाल दिया, तो हमारे पास बचा 2 गैलन, तो यहाँ पे हो गया 4 और 2। अब हम रूल नंबर 5 का यूज करेंगे, जिसमें था कि हमें x 4 गैलन जग को पूरा खाली कर देना है, एम्प्टी द 4 गैलन जग। उसके बाद हमने क्या किया, रूल नंबर 9 का यूज करके 3 गैलन जग में जितना भी पानी था वो पूरा 4 गैलन में डाल दिया, तो हमें हमारी फाइनल गोल कंडीशन यहाँ पे मिल गई है, दैट इज 2.0। तो ये एग्जाम्पल एग्जाम में आ सकता है। ये एग्जाम्पल के लिए आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, रूल्स आपको पता होने चाहिए। अगर आपको रूल्स पता होंगे तो आप इजीली ये जो है वो कर पाओगे। उसके बाद का जो सेकेंड प्रॉब्लम है, दैट इज 8 पजल प्रॉब्लम। अब 8 पजल प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली 8 नंबर कंसिस्ट करता है। 8 नंबर कंसिस्ट कर रहा है 8 पजल प्रॉब्लम, जिसमें आपके पास मूवेबल टाइल्स है ऑफ 3x3 फ्रेम। वन सेल ऑफ द फ्रेम इज ऑलवेज एम्प्टी, दस मेकिंग इट पॉसिबल टू मूव एन एडजेसेंट नंबर टाइल इनटू द एम्प्टी सेल। एक सेल हमेशा से खाली रहेगा ताकि आप वो सेल के ऊपर कोई भी नंबर को इजीली मूव कर पाओ। यहाँ पे आपको इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन एंड फाइनल कॉन्फ़िगरेशन दिया है, तो आपको इनिशियल पे से फाइनल पे पहुंचना है, तो आप कैसे पहुंचोगे। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी मस्ट स्पेसिफाई द ग्लोबल डेटा सेट, द रूल्स एंड द कंट्रोल स्ट्रेटजी। आपको रूल्स पता होने चाहिए, आपको ग्लोबल डेटाबेस पता होना चाहिए और कंट्रोल स्ट्रेटजी आपकी पता होनी चाहिए। बेसिकली 8 पजल प्रॉब्लम जो है वो 3 कंपोनेंट से बना हुआ है। यहाँ पे हमारे जो एलिमेंट्स है उसको हम मूव करवाएंगे जब तक हमें हमारा गोल स्टेट नहीं मिल जाता है तब तक। और यहाँ पे जो एक्शन परफॉर्म हो सकती है वो है लेफ्ट राइट अबो एंड बिलो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे ये वाली पोजीशन पे से अगर ये वाली पोजीशन पे पहुंचना है तो मैं पहले क्या कर सकती हूँ, ये 6 जो है उसे हम राइट मूव करवाएंगे, मतलब 6 यहाँ पे आ गया तो ये जो पोर्शन है वो एम्प्टी हो जाएगा। फिर ये 8 को हम अप मूव करवाएंगे, मतलब अबो मूव करवाएंगे, तो हमारे पास हो गया 1, 2, 3, 5, 8, 6, जो कि हमारी ये पोजीशन हो गई है। फिर हम ये 7 को राइट हैंड साइड पे मूव करवाएंगे तो ये पोजीशन खाली हो गई, तो हमारा फाइनल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमें मिल जाएगा। दिस इज द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटीज दी है कि आप कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज पे ये काम कर पाओगे। तो देखो कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म करवा सकते हैं। तो हमारे पास इनिशियल कंडीशन ये है, तो हम अबो अगर स्टेट को मूव करवाए, अबो एक्शन यूज करें, तो हमारा ब्लैंक स्पेस जो है वो अबो जाएगा। यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड किया, यहाँ पे बिलो किया और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे किया। अब इनमें से आप कौन सा कंडीशन लेके आगे जाना चाहोगे ताकि आपका जो आउटपुट है वो आपको इजीली मिले। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, ये दूसरे एग्जाम्पल का है, कोई बात नहीं, पर जो समझना है वो आपको मैंने पहले ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि हम कौन से ऑपरेटर का यूज करके कहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ से हम कौन सी कंडीशन का यूज करके जा सकते हैं, तो आपको मान लो कि फाइनल स्टेट ये वाला चाहिए, ठीक है, तो हम ये वाली कंडीशन फॉलो करके यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी होंगी, वो सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करके आपको आपके गोल स्टेट तक पहुंचना है। उसके बाद का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन सिस्टम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। अब बेसिकली प्रोडक्शन सिस्टम क्या है, तो कोई भी सर्च प्रोसेस अगर आपको फॉर्म करनी है तो उसकी कोर ऑफ इंटेलिजेंट प्रोसेस जो है उसे हम प्रोडक्शन प्रोसेस बोलेंगे। प्रोडक्शन प्रोसेस का यूज करके हम हमारे एआई प्रोग्राम की फैसिलिटीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसे परफॉर्म कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग सम पर्टिकुलर सॉल्यूशन। प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो टोटल 4 टाइप के डेटाबेस जो है वो फॉलो हमें देता है, डेटा स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करता है। फर्स्ट, प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो सेट ऑफ रूल्स कंसिस्ट करता है। सेट ऑफ रूल्स में क्या होगा, ईच कंसिस्टिंग ऑफ अ लेफ्ट साइड दैट डिटरमाइंस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल एंड अ राइट साइड दैट डिस्क्राइब द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड
इफ दैट रूल इज अप्लाइड. सेट ऑफ रूल आपके पास है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या डिटरमाइन करके देगा कि आपके रूल की एप्लीकेबिलिटी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगी और राइट हैंड साइड पे वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहा है वो रहेगा. दूसरा है वन और मोर नॉलेज और डेटाबेस दैट कंटेन्स वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज अप्रोप्रिएट फॉर पर्टिकुलर टास्क. जो भी इंफॉर्मेशन आपके पर्टिकुलर टास्क के लिए अप्रोप्रिएट होगी वो आपके डेटाबेस में स्टोर्ड होगी वाइल अदर पार्ट ऑफ इट मे पर्टेन ओनली टू द सॉल्यूशन ऑफ द करंट प्रॉब्लम. उसके बाद जो थर्ड चीज आती है दैट इज अ कंट्रोल स्ट्रेटजी दैट स्पेसिफाई द ऑर्डर इन विच द रूल्स विल बी कंपेयर टू द डेटाबेस एंड अ वे ऑफ रिजॉल्विंग द कंफ्लिक्ट दैट अराइज व्हेन द सेवरल रूल्स मैच एट वंस और नॉट. एंड द लास्ट वन इज अ रूल अप्लायर विच इज अ कंप्यूटेशनल सिस्टम दैट इंप्लीमेंट्स द कंट्रोल स्ट्रेटजी एंड अप्लाइज इट्स रूल ऑफ डेटाबेस. इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम वी मस्ट फर्स्ट रिड्यूस इट टू फॉर्म द फॉर्म विच इज अ प्रिसाइज स्टेटमेंट कैन बी गिवन. आप आपकी डेफिनेशन जो है आपकी प्रॉब्लम जो है उसे कैसे डिफाइन करोगे प्रिसाइजली वो चीज आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए. फिर आपका जो प्रॉब्लम है दैट कैन बी सॉल्व बाय सर्चिंग फॉर अ पाथ थ्रू द स्पेस फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट टू गोल स्टेट और नॉट. वो आपको पता होना चाहिए कि आप इनिशियल से गोल तक पहुंचोगे तो आपको क्या पाथ मिलेगा आपके प्रॉब्लम के लिए वो आपको पता होना चाहिए. एंड द लास्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम कैन यूजफुली बी मॉडल्ड एज अ प्रोडक्शन सिस्टम. अब आपको पता चल गया है कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम कौन सा पाथ फॉलो करेंगे तो उसके लिए एक मॉडल रेडी होना चाहिए ताकि वैसे टाइप के कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम को आप दैट पर्टिकुलर सिस्टम या मेथड का अप्लाई करके सॉल्व कर पाओ. तो बेसिकली प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो किसके लिए यूज होता है कि आपको आपके AI प्रोग्राम का यूज करके एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रोडक्शन सिस्टम का यूज होता है कि सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय दैट जनरलाइजिंग अल्गोरिदम. तो एक अल्गोरिदम डिफाइन कर रहे हो आप दैट इज नोन एज प्रोडक्शन सिस्टम. या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आप कोई मेथड बना रहे हो जो मेथड का यूज करके आप ऐसे सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो है वो इजिली सॉल्व कर पाओगे. प्रोडक्शन सिस्टम के फीचर्स की अगर बात करें और बेनिफिट्स की अगर आप बात करें तो प्रोडक्शन सिस्टम प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट टूल फॉर AI प्रॉब्लम्स. प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो हाईली मॉड्यूलर है बिकॉज इंडिविजुअल रूल्स को हम ऐड करके या रिमूव करके या उसे मॉडिफाई करके इंडिपेंडेंटली जनरलाइज एल्गोरिथम बना के उसे कोई भी सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स के ऊपर हम उसे अप्लाई करवा सकते हैं. और प्रोडक्शन रूल जो है उसे हम नेचुरल फॉर्म में रखेंगे ताकि वो अंडरस्टैंडेबल हो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में जनरेट हो ताकि कोई बंदा जो नॉन टेक्निकल पर्सन है वो उसे इजीली अडॉप्ट कर पाए. तो दीज आर द बेनिफिट्स और फीचर भी आप उसे बोल सकते हो. दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम. ये PPT मैं आपको शेयर करूंगी. ये इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसका डिस्कशन अभी नहीं करूंगी. इसके अलावा मुझे आपको प्रोडक्शन सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताना था. तो प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो मोनोटोनिक नॉन मोनोटोनिक पार्शियली कम्यूटेटिव एंड कम्यूटेटिव ये चार टाइप में चार कैरेक्टरिस्टिक में वर्क करती है. एक मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो क्या होता है कि द एप्लीकेशन ऑफ अ रूल नेवर प्रिवेंट्स द लेटर एप्लीकेशन ऑफ द अनदर रूल. कोई भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो है उसके रूल जो है वो उसकी बाद में बनी हुई एप्लीकेशन के रूल से बिल्कुल भी प्रिवेंट नहीं हो रहे हैं. मतलब जो फर्स्ट रूल आपने सिलेक्ट किया है दैट वॉज द इंडिपेंडेंट रूल एंड दैट इज यूज अंटिल द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉब्लम दैट इज द मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम. सेकेंड जो है वो है नॉन मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम. जो प्रोडक्शन सिस्टम मोनोटोनिक नहीं है उसे हम नॉन मोनोटोनिक बोल सकते हैं. नॉन मोनोटोनिक सिस्टम जो है वो हम प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करवा पाएंगे क्योंकि उसका उसके अंदर क्या होता है कि आपके रूल जो है वो डिपेंडेंट बन जाते हैं और प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो ऐसे रूल कभी भी नहीं देगा जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो. वो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट रूल हमें प्रोवाइड करता है. उसके बाद है पार्शियली कम्यूटेटिव प्रोडक्शन सिस्टम. दिस प्रोडक्शन सिस्टम इज एप्लीकेबल ऑफ अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ रूल्स ट्रांसफॉर्म द स्टेट एक्स टू स्टेट वाई देन अलाउएबल परम्यूटेशन ऑफ दोज रूल्स ऑल्सो ट्रांसफॉर्म द एक्स स्टेट इन टू द स्टेट वाई. कोई पर्टिकुलर रूल आपके कहाँ तक अप्लाई होंगे एक्स से लेके वाई तक मतलब इनिशियल से लेके गोल तक आपके रूल जो है पर्टिकुलर रूल अप्लाई हो रहे तो दैट सिस्टम इज नोन एज पार्शियली कम्यूटेटिव.
एंड कॉम्पिटेटिव प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो बोथ मोनोटोनिक एंड पार्शियल कॉम्पिटेटिव बोथ है, मतलब आपके रूल इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए और इनिशियल से लेके गोल स्टेट तक सेम काइंड ऑफ रूल्स जो है वो अप्लाई करते जाएंगे और हमें सोल्यूशन मिलेगा। तो ऐसे टाइप का प्रोडक्शन सिस्टम जो है उसे हम कम्युनिटी प्रोडक्शन सिस्टम बोलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। हम टाइप्स ऑफ सर्च एल्गोरिदम से हमारे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे सेशन एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।